नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, मेरे सहयोगी रवि सैनी, एडिटर अजय सैनी के साथ फिर आपसे मुखातिब हूँ एक बड़ी खबर के साथ। कोरोना बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। हरिसार जिले में कोरोना का एक भारी विस्फोट आज ही हुआ है। पहले हम आपको कोविड की रिपोर्ट देते रहते थे, कभी 37 आए, कभी 35 आए, कभी 36 आए, एकदम से 3 गुना कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट हिसार से आई है। हिसार जिले से आज हिसार जिले में 98 पॉजिटिव केसेज आए हैं, जैसे कि नोडल ऑफिसर डॉक्टर खत्रेजा ने हमें बताया। इस तरह से कोविड की रफ्तार बढ़ना एक चिंता का विषय है। हिसार जिले के अंदर अब 240 के नज़दीक केसेज पॉजिटिव केसेज हो गए हैं, यह एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी खबर तो हम इसलिए देते हैं कि कोविड की आपको सचेत करने के लिए हिसार जिले में हिसार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ गए हैं। अगरवा में डॉक्टर सहित 5 यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ व डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ गए हैं। और एक बड़ी खबर से और मैं आपको करता हूँ कि थर्ड लहर में हिसार जिले में पहली मौत भी हो गई है कोविड से, एक 20 वर्षीय युवती की, जो 9/11 सेक्टर के पास की कॉलोनी की रहने वाली है और जिसने पुलिस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था, आखिरी सांस अग्रवा मेडिकल कॉलेज में ली, जिसको प्रशासन ने, जिसके आश्रितों को प्रशासन ने 50,000 रुपये भी दिए हैं। अब हम बता दें कि कोविड किसी का सगा नहीं है, कोरोना किसी का सगा नहीं है और बचाव में ही बचाव है। DSP भी पॉजिटिव हैं और नगर निगम हिसार के अधिकारी भी पॉजिटिव हैं और हांसी हॉस्पिटल के डॉक्टर कामिद मोंगा, जो हिसार में भी सिविल हॉस्पिटल में भी कार्यरत थे और हांसी में भी कार्यरत हैं, हांसी में ही जिनकी पोस्टिंग है, वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। हांसी हॉस्पिटल में पहले ही डॉक्टरों की कमी थी, अब डॉक्टर कामिद मोंगा पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से हांसी के अंदर मात्र 3 केसेज हैं पॉजिटिव के और हिसार ज़िले की बात करें तो 240 के अराउंड हैं, कम, एक दो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि नोडल ऑफिसर। और आज 98 केसेज आए हैं और कल एक युवती की यानी कि कोरोना पॉजिटिव होने से मौत भी हो गई है। इस तरह से ये बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। देश में, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा सजग है, लेकिन आपको भी स्वयं भी सजग रहना होगा। कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है, 11 रेड जोन बन गए हैं। अगर इसी तरह से अगर लापरवाही हम लोग बरतेंगे, मैं मेरे स्टूडियो से बोल रहा हूँ, आप मेरे श्रोताओं, इसी तरह से हम अगर लापरवाही बरतेंगे तो हमारा हिसार भी यानी कि उस जोन में ना चला जाए, ये चिंता का विषय है। और प्रशासनिक अधिकारी वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है, स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं और मास्क पे पर्टिकुलर ध्यान है, भीड़ भाड़ से बचिएगा। और SDM महोदय हमारे जो हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, सम वार वारियर की तरह जा जाकर सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वहाँ सम जाके चेकिंग कर रहे हैं। और अपने ही डिपार्टमेंट में भी वो वैक्सीनेशन की यानी कि सर्टिफिकेट देखकर कर्मियों को एंटर करने देते हैं। इस तरह से कोरोना से बचना है आपको, SOP की गाइडलाइंस की पालना करना है और 11 जोन जो बन चुके हैं उस जोन में हमें नहीं जाना है हिसार ज़िले को, यह ध्यान रहे, ये हमारी एडवाइस है। मेरे एडिटर अजय सैनी की तरफ से भी ये एडवाइस है, रिपोर्टर रवि सैनी की तरफ से भी हम आग्रह करते हैं, आपका अनुरोध करते हैं कि अपना बचाव स्वयं रखिएगा, इम्यूनिटी बूस्टअप कीजिएगा और पौष्टिक आहार लीजिएगा, भीड़ भाड़ से बचिएगा। नमस्कार दोस्तों, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे ये कोरोना और ओमिक्रोन जैसा वायरस इस विश्व से भाग जाए। देखते रहिए हांसी के।